नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि इसराइल अटैक करे टर्की को। यहां पे आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल है। ये जो स्टेटमेंट है एर्दोगन की वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। यहां पर लिखा है कि एर्दोगन क्लेम्स इसराइल विल कम फॉर टर्की इफ इट डिफीट्स हमास। जैसे ही हमास को इसराइल हरा देगा उसके बाद इसराइल का अगला टारगेट होने वाला है टर्की। नाउ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डेप्थ इसको डिस्कस करते हैं कि टर्की किस तरीके से हमास की हेल्प कर रहा है और क्यों पॉसिबिलिटी है कि मिडिल ईस्ट में एक लार्जर वॉर हो सकती है जिसमें टर्की और इसराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं आप कह लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का भी दूर से रोल इवेंचुअली बनता हुआ दिखेगा। डिस्कस करते हैं ये सब, मगर पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। कुछ ही घंटों में स्टडी आईक्यू की सेल खत्म होने वाली है। 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी रात के। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि स्टडी आईक्यू का जो ऑफलाइन कोर्स है ये आप हैवी डिस्काउंट के अंडर परचेज कर सकते हैं। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का ऑफलाइन कोर्स, जिसमें आप करोल बाग में स्टडी आईक्यू का जो सेंटर है वहां पे जाके पढ़ पाएंगे। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड देयर विल बी अ हैवी डिस्काउंट। इस कोर्स की क्लासेस आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देख पाएंगे और ये पहली बार है जब स्टडी आईक्यू ऑफलाइन सेंटर में आपके लिए कोर्सेज लेके आया है। सिर्फ 100 सीट्स हैं यहाँ पर, दे विल बी फिल्ड वेरी सून। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ इसराइल और हमास की वॉर आप अगर देखो तो 7 से 8 महीने इस वॉर को हो चुके हैं और अब डर ये है कि ये एक फॉरएवर वॉर ना बन जाए। जिस तरीके से रशिया फंस चुका है यूक्रेन में, वैसा ही इसराइल के साथ ना हो जाए हमास के केस में। क्योंकि हमास ने देखिए गुरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स अपना लिए हैं। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल का इस पे एक आर्टिकल आया था कि हमास हार नहीं मान रहा। आपके सामने 7-8 महीने हो चुके हैं, इसराइल की मिलिट्री ने जहां भी ये बॉम्बिंग कर सकते थे की है, मगर अभी भी हमास का ऑल टुगेदर जो वजूद है ये मिटा नहीं है। हमास आज भी जिंदा है और हमास को जिंदा रखने में एक बहुत ही बड़ा रोल है टर्की का। लोग एक्चुअली भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हमास को तो प्राइमरली ईरान ही सपोर्ट कर रहा है। नहीं, हाल ही में क्या हुआ कि टर्की ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हमास के 1000 लोग टर्की के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और जब एर्दोगन से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमास ने तो इसराइल पे अटैक किया था, तो एर्दोगन ने यह कहा, एर्दोगन के हिसाब से हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है। इन्होंने ये कहा कि देखिए गाजा में इलेक्शन हुए थे और हमास को मेजॉरिटी मिली है, लोगों ने हमास को चुना है, तो इनके हिसाब से हमास एक पॉलिटिकल एंटिटी है। बाय द वे मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी तक ऑफिशियली हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं किया है। हमास को आतंकवादी यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, वेरियस और कंट्रीज मानती हैं, मगर एर्दोगन यहां पर यह कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं सपोर्ट करता रहूंगा हमास की, हमास के लोगों को ट्रीटमेंट दूंगा, फ्री में ट्रीटमेंट दिलवाऊंगा टर्की में, क्योंकि हमास कुछ गलत नहीं कर रहा इनके हिसाब से। और आगे देखो एर्दोगन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रेज करी है अखंड इसराइल की। जी हाँ, अनडिवाइडेड इसराइल, एंशंट इसराइल जो कई इजरायली लोग क्लेम करते हैं इवेंचुअली वापस बनेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे एर्दोगन ने पहले तो ये कहा है कि इसराइल इनके हिसाब से एक आतंकवादी देश है और ये कह दिया कि हमास को टर्की सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि जैसे ही हमास कंप्लीटली हार जाता है अगला जो टारगेट है इसराइल का ये होगा एनाटोलिया। अब यहाँ पे आप कहोगे एनाटोलिया ये कौन सा देश है, इधर आप देख पाओगे ये कॉमेंट है एर्दोगन की, ये कह रहे हैं डू नॉट थिंक दैट इसराइल विल स्टॉप इन गाजा अनलेस इट स्टॉप्ड This rogue and terrorist regime will set its sights on Anatolia. Now, Anatolia देखिए एक geographical region है जो modern day Turkey है ना, वो जिस land पर है उसे हम कहते हैं Anatolia. Historically इसे Anatolia ही कहा जाता था। Turkey नाम आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा बाद में आया है। Of course, आज के समय ये खुद को Turkey नहीं तुर्की कहते हैं। Now, फिर अगर हम बात करें ancient Israel की, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सारा part, ये कई Israel के लोग कहते हैं कि ये एंशंट इसराइल का पार्ट हुआ करता था और उसमें एनाटोलिया का भी बहुत सारा रीजन आता था। तो एर्दोगन यहाँ पर यही कह रहे हैं
कि जिस तरीके से इसराइल आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये लगातार गाजा की ज़मीन कब्जा चुके हैं, वेस्ट बैंक में भी आपको पता है बहुत सारी ज़मीन इसराइल कब्जा चुका है, ये कह रहे हैं कि इवेंचुअली इसराइल अपना जो एक एंशंट इनका एम्पायर हुआ करता था वो बनाने के लिए निकला है, और इनके हिसाब से इवेंचुअली ये टर्की का जो एरिया है ये भी कब्जाने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक्चुअली टर्की की रक्षा कर रहे हैं हमास को सपोर्ट करते हुए। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे आएगा। देखो पाकिस्तान पे कैसे आएगा ये ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे। अगर कल को खतरा आया टर्की पे, और मैं आपको बता रहा हूँ आएगा, इवेंचुअली बिल्कुल इसराइल टर्की के पीछे भी भागेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा रिलेशंस बिल्कुल टूट चुके हैं इसराइल टर्की के बीच में, ट्रेड सस्पेंड हो चुका है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कह रहे हैं कि एक कंट्री आतंकवादी है, इसराइल कहता है कि एर्दोगान एक तानाशाह है, डिक्टेटर है, तो रिलेशंस ऑल टाइम लो पे हैं। पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली टर्की के सपोर्ट में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। इंडिया की अगर मैं बात बोलूँ तो इंडिया पे देखिए प्रेशर आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है कि इंडिया हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे, क्योंकि देखो इसराइल को ऑल टुगेदर हमास को कम्प्लीटली फिनिश करना होगा अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर हमास बच जाता है तो जो भी इसराइल ने किया है, जो भी यूएसए का पैसा खर्चा, खुद का पैसा खर्चा, अपने सोल्जर्स को यहाँ पे काम पे लगा दिया, ये सारा आप कह लीजिए इनका जो भी एफर्ट था सब वेस्ट चला जाएगा अगर हमास वापस कुछ ही हफ्तों में खड़ा हो गया। तो आने वाला टाइम देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और मैं आपको बता दूं इसराइल की तरफ से हैवी प्रेशर आएगा इंडिया पे, ना सिर्फ इंडिया पे, सब कंट्रीज पे जो हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते, कि यू हैव टू पिक अ साइड, हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करो। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या हमें इसराइल का सपोर्ट करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि टर्की भी ट्रेड के हिसाब से इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम टर्की के साथ रिलेशंस बिल्कुल खराब नहीं कर सकते। तो आप बताइए लॉन्ग टर्म में आपके हिसाब से इंडिया को इसराइल के सपोर्ट में आना चाहिए या फिर बिल्कुल न्यूट्रल रहो। जो अभी स्टांस है ये इंडिया के लिए परफेक्ट है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है आने वाले टाइम में। और अगर आप सोच रहे हैं टर्की और इसराइल के बीच में सीरिया नहीं आता, बिल्कुल आता है, मोस्ट प्रोबली ये टर्की का ही अनुमान है कि इसराइल के टैंक सीरिया पार करके या फिर इनकी जो नेवी है, ये जो सदर्न टर्की है, इसको अटैक कर सकती है आने वाले टाइम में। और मैं आपको ये बता दूँ एर्दोगान यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, मैं इमेजिन कर सकता हूँ एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी बन सकती है कि टर्की को इवेंचुअली इसराइल का अटैक फेस करना पड़े। तो आने वाला टाइम देखिए बहुत ही अनसर्टेन होगा, कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। खत्म हो गए भाई साहब, ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है, मैं तो सोच रहा था कि जंग जो है अब गाजा तो ऑलरेडी तकरीबन कब्जाए खड़ा है इसराइल, और अब ये सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा एक दिन से। लेकिन ये जो आगे तुर्की की तरफ निकलेगा ना मामला, तो फिर और लंबी जंग छिड़ जाएगी। नहीं ये निकलेगा, कहीं भी नहीं निकलेगा, वो तो आने वाले वक्त को पहले बता रहे हैं, इस तरह हो सकता है वो हो, इसलिए बोल रहा है कि 1000 से ऊपर का नहीं होगा। आप मेरी बात आज पत्थर पे लिख लो, पत्थर पे कभी भी इजराइल ना पाकिस्तान पे अटैक करेगा, ना तुर्की की तरफ जाएगा, ईरान की तरफ भी किसी के कहने पे थोड़ी सी हरकत की थी, अब दांत उसके खट्टे हो गए, आप पीछे हट के बैठ गए। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ट्रंप के पीछे लगा हुआ है, उसको नजर आ रहा है वो जो बेगैरत का बच्चा नेतन्याहू, अब वो ट्रंप को अपने मैसेज भेज रहा है, उसको नजर आ रहा है कि ट्रंप साहब आएंगे जी, बाइडन नहीं आएगा। मैं तुझे वे पहली बात बता रहा हूँ, अब ट्रंप को बता रहा है कि ट्रंप ने ये लफ्ज बोला आए थे तकरीबन 2 हफ्ते पहले, इससे भी ज्यादा का वक्त हो सकता है। ट्रंप ने कहा था मैं इन जंगों के खिलाफ हूँ, जल्द नहीं होनी चाहिए, याद है आपको। फिर वो उसके पीछे क्यों लगा हुआ है? कौन ओ यार वो तो सियासी ओए मामा, और बात तो तू उसके पीछे को मेरा साथ है नेतन्याहू का मतलब ये है कि ट्रंप जैसे जो बाइडन मेरी झोली में है मेरे साथ है, ऐसे ही रहे जंगों को खत्म करने की बात ट्रंप साहब ना करें। तो ट्रंप ने खुल के कहा मैं किसी खित्ते में भी जाने नहीं चाहता। ट्रंप ने ये भी कहा जो फलस्तीन के लोग हैं उनको बोला भी है मेरे देश में आने, मैं अपना नेशनलिटी कब बोला वो तो जो बाइडन ने बोला है, वो जो बाइडन ने कहा ऐसा बोला नहीं है, और क्या किया वो सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद बिल्कुल इस तरह, और वो चूरन भी अगर वो आते हो सियासत में यार उधर भी सियासत चल रही है। ये बयान उसने बयान दिया है, सुना है हम पूरे दिल वाले हैं, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, वो इस तरह भी उन्होंने बोला कहता फलस्तीन के बारे में नहीं बोला फलस्तीन का सुनते आ रहे हैं सारा फलस्तीन अमेरिका जा रहे हैं उन्होंने पनाह दे दी वो कर दिया कब गया है
वही का वही फलस्तीन है, वो ही हालात है यार ना। बात करें अगर तुर्की की और इजराइल की जंग लगती तो इसमें साफ़ है पाकिस्तान का झुकाव तो तुर्की की तरफ होगा, लेकिन जो कैसे होगा मुझे इतना बता इंडिया के लिए कि वो किस साइड को चूज करेगा। इंडिया किसी को भी चूज नहीं करेगा, इंडिया आज भी न्यूट्रल है, फिर भी न्यूट्रल रहेगा। पाकिस्तान आज मुझे ये पता जिस रहे 77 साल अकवाम मुत्तहदा में कहा कि मैं फलस्तीन के साथ हूँ, मैं शाम के साथ हूँ। मुझे ये बता जब मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान ने किस कंट्री की हेल्प की, इसने तो इसराइल की हेल्प की। उस वक्त जब जंग लगी गाजा को वो कब्जा रहे थे, हमारे मिनिस्टर इसराइल में बैठे हुए थे, क्या बातें कर रहे हैं तुर्की की मदद करेगा। इन्होंने जब जंजला आया था ये उस वक्त भी भीख मांगने चले गए थे, इन्होंने मदद किसकी क्या करनी है। बाकी इसराइल और इंडिया का इतना ज्यादा ट्रेड भी नहीं है, नहीं है तो ना बंदा ट्रेड का लालच होता है बिल्कुल, हमारी कमाई हो जाएगी ये हो जाएगा वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। पाकिस्तान का नाम निकाल दो कि ये तुर्की के मुश्किल वक्त आएगा उनकी मदद करेंगे, ये अपनी मदद नहीं जो कर सकता वो किसी की मदद क्या करेगा। अपनी अवाम बेरोजगार मर रही है, किसी की मदद नहीं करनी, ये अपने पेट प्यार भाई मदद मदद को छोड़ो, बात यहाँ पर ये है कि जंग फ्यूचर में हो सकती है नहीं, नहीं हो सकती ये जंग हो भी सकती है नहीं, ये जंग पता है क्यों हो सकती है, ये जंग अगर सऊदी अरब जो है वो इजराइल को मुनाफा है, क्योंकि खाना काबा की जो खिलाफत जिम्मेदारी हिफाजत जो पहले तुर्कों के पास थी जिसका कांटेक्ट हुआ हुआ था, तो सऊदी अरब कभी भी नहीं जाएगा, खत्म हो जा रहा है 23 के अंदर खत्म नहीं नहीं 23 में तो मुकम्मल हो रहा है, 24 में नया काम शुरू है। तो सऊदी कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुर्की इतना स्ट्रांग हो कि वो नहीं जा सके ले, लेकिन साथ में ये भी करवा भी सकते हैं, साथ में ये भी नजर रखो, साथ में ये भी नजर रखो किस बड़ी कंट्री का हाथ है जिसने तुर्की को ईरान के साथ सॉरी तुर्की को सऊदीया से मिलाया और ईरान को भी सऊदीया से मिलाया। प्लान तो खान साहब का था जब चाइना ने उसे किया था, लेकिन चाइना ने मिलवाया कि नहीं मिलवाया, चाइना ने सऊदी अरब को ये भी कहा मोहम्मद बिन सलमान को चाइना ने कि आप जो है ना उसके साथ में यमन उनके साथ भी आप क्या अच्छे तरकात होने चाहिए। तो जब यमन ने इसराइल पर अटैक किया था तो उनके बम्बों को किसने गिराया, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन गिराया लेकिन चाइना इसके बीच पड़ गया भाई, वो कह उनका मतलब है कि ये खित्ते के अंदर चाइना कहता है भाई ईरान और सऊदी अरब और यमन की लड़ाई ना हो, और अमेरिका चाहता है सऊदी अरब मेरे पे जोड़ी में बैठा रहे उधर चाइना की तरफ ना जाए। अच्छा भाई अब ना यहाँ पे ना हो सकता है, दो मुद्दे हैं यहाँ पे, एक तो जो जो दूसरा तुर्की है उसने हमास के लोगों को पनाह दे रखी है, यूरोपियन कंट्री हो गया अमेरिका हो गया वो उनको आतंकवादी मानता है और वो नहीं मानता क्योंकि वो कहते उनके हिसाब से कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन हुआ था वो वोट लेकर जीती है, इंडिया भी तो मानता है ना उनको भाई, मतलब इंडिया भी उनको एक कंट्री मानता, लेकिन जब जो हमास ने अटैक किया था ना उस वक्त जो अमेरिका में पीएम मोदी ने जो किया था टू इंडिया, इंडियन सरकार ने किया था वो ये था कि भाई हम कंडेम करते इस दहशतगर्दी हमले को, इस तरह करके कुछ ट्वीट बिल्कुल मतलब दहशतगर्दी वाला उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी लेकिन वो और दूसरा इजराइल ने एक जो जमात है पाकिस्तान की उसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया और साथ में ये भी बोला कि भाई हमने अपना काम कर दिया पाकिस्तान और इंडिया का इंडिया की बारी है कि वो अपना काम करके हमास को डिक्लेयर करे एक दहशतगर्द तंजीम, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया कोई आज मतलब तकरीबन 7-8 महीने हो गए इस तरह का ऐसा कोई बयानबाजी सामने नहीं आया, लेकिन भाई हो भी सकता है ये जंग छिड़ जाए। और लेकिन एक और भी चीज है अगर तुर्की की तरफ जंग छिड़ी तो ये इसराइल का बड़ा लॉस भी होगा। भाई मैं तुझे पहले दिन से कह रहा हूँ तुर्की हमास नहीं है, तुर्की के पास सारा कुछ है और तुर्की हमास की सपोर्ट में तो कोई इतना खुल के कंट्री आया नहीं, क्योंकि उन्हें आना पड़ेगा किस्म का दहशतगर्द था खुल के किसी कंट्री ने हेल्प नहीं की, और तुर्की एक प्रॉपर कंट्री है उसको यूएन में भी है और दूसरे नंबर पे नेटो का मेंबर भी है, चलो नेटो वाले ना भी है लेकिन दूसरे कंट्री हो सकता है रशिया और रशिया तो लाजमी ईरान भी जाएगा, तो ठीक है भाई अपनी रात रुकता ही कॉमर्स सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।